गई होगी। तो होली क्या है, क्या है मेरे लिए? होली है रंगों का त्योहार, मिठाइयों का त्योहार, घर परिवार, नए मेंबर्स, फन, इन सब का। तो इस बार मैंने अपनी होली बनाई कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए तरीके से। तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने होली किसके साथ मनाई, किसके साथ मनाई? मैंने होली मनाई अपनी सुचित्रा के मेंबर्स के साथ। सुचित्रा मेरे कॉलेज की फाइन आर्ट सोसाइटी है और इस बार सुचित्रा ने छोटे छोटे बच्चों के बेरंग क्लासरूम में रंग भर के होली मनाई, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने TFI यानी टीच फॉर इंडिया की तरफ से जाकर, एक अंडर प्रिविलेज स्कूल था एक छोटे से एरिया में, वहाँ जाकर हमने एक स्कूल में पेंट करा, बच्चों के क्लासरूम्स में पेंट करा, और इस तरीके से हमने अपनी होली मनाई। और वो बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया हम लोगों को और बहुत इन्जॉय करा हमने, बहुत कुछ नया सीखा हमने। तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ उसे शेयर करती हूँ। तो ये एक ब्लॉग भी है, आर्ट वीडियो भी है, प्लस होली सेलिब्रेशन वीडियो भी है। तो ठीक है, वीडियो को एंड तक देखते हैं। मैं सब लोगों से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, यानी सारे मेंबर्स आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। छोटी छोटी चीज़ें जो हमने बहुत इन्जॉय करी थी उनको भी शेयर करूंगी, और वीडियो को एंड तक देखना। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। So the vlog starts from here. This was the first day जब मैं, सहारा और रिया जी हम लोग साथ में निकले थे पेंटिंग करने के लिए। और पहले हम लोग बाई कार गए थे, उसके बाद हमने करकटडूमा मेट्रो स्टेशन से मौजपुर मेट्रो स्टेशन के लिए मेट्रो ली थी। और ये इनके इंस्टाग्राम हैंडल है, इफ़ यू आर आर्ट लवर देन यू मस्ट फॉलो देम ऑन देयर इंस्टाग्राम, दे आर अमेजिंग। और रिया दी जो है वो ही हमारे सुचित्रा की प्रेजिडेंट है, एंड शी इज द क्यूटेस्ट प्रेजिडेंट एवर। मतलब मैं ऐसी सीनियर से और ऐसी प्रेजिडेंट से कभी नहीं मिली। और ये करकटडूमा मेट्रो स्टेशन में मुझे कुछ प्यारी सी पेंटिंग्स मिली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उन्हें कवर कर लिया। और ये है तरीनी दी, वो जो कि रिया दीदी की बेस्टी है। और एक्चुअल में हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो ना फिर रिया दी, मतलब तरीनी दी गुस्सा हो गई थी उनसे, रिया दी से। और यहाँ पर यही हो रहा था कि रिया दी ना उनको बता रही है कि हम कैसे लेट हो गए, फिर तरीनी उनको गुस्सा कर रही है और फिर भी बेचारी समझाने की कोशिश कर रही है। और तरीनी दी बहुत क्यूट है, ये भी मतलब बहुत क्यूट है। और ये एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, ये कैलीग्राफी करती है और ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर आप लोग कैलीग्राफी में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इनको फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। एंड अब यहाँ पे वो उन्हें मना रही है, और फिर पूरा रास्ता ये इनका यही चल रहा था कि ये उन्हें मना रही थी। एंड यहाँ पे देखो इसे कितने सुकून से लेटा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अब बताए हुए काम पे लग गए थे। तो ये मैं हूँ, साहिल है और सहारा है, और साथ में ये सिमरन है। हाँ, हम लोग यहाँ पर एक रूम में काम कर रहे थे। और ये लोग भी सारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, इसीलिए मैंने सबके इंस्टाग्राम हैंडल्स आपको दे रखे हैं, आप सबको फॉलो करना, मतलब देखना एक बार, चेकआउट तो करना ही ज़रूर। और ये सहारा है, उसने एक मेस कर दिया था तो उसके बाद उसको ये साफ करना था, तो वो उसी को क्लियर कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पे जो हमने वॉल सबसे पहले स्टार्ट करी थी वो थी वर्ली, हमने स्टार्ट ही वर्ली से किया था। और रिया दीदी ने हमें अलॉट भी वर्ली किया था, तो यहाँ पर मैं पहले पेंसिल से ड्रॉ करा, और फिर मैं, साहिल, सिमरन और सहारा, हम सब लोगों ने मिलके इसे बनाया। और फिर बाद में कलरिंग के लिए शशांक और हिमांशी ने भी हमारी हेल्प करी। और ये जो हमने डिटेलिंग करी, हमने सबसे पतले ब्रशेस का यूज़ करा, और हमने वाइट बैकग्राउंड पे केरुआ कलर बनाने की कोशिश करी, जो कि हमने रेड। और देख रहे हो मतलब हमारी प्रेजिडेंट बाकी प्रेजिडेंट्स की तरह नहीं है, वो बिल्कुल बैठे दिखाती है, वो भी हमारे साथ काम करते हैं। और ये है लक्ष्य त्यागी, और ये देखो तरी दीदी कितना प्यारा लिख रही है, मतलब बहुत ही प्यारा, वो बहुत अच्छा लिखती है, जितनी अच्छी वो है उससे भी अच्छा वो लिखती है, मतलब नहीं उससे अच्छा नहीं पर वो बहुत अच्छा लिखती है। और ये यहाँ पर कीर्ति है, कीर्ति हमने फूल का पेंट करी है, ये रिया दीदी बनाया है, और सूरज सिस्टम को अच्छा बनाया है। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक ही क्लास में बनाई थी, तो देख रहे हैं बहुत मजा आती है। और ये है दक्ष त्यागी, और ये टैलेंट दिखा रहे हैं हमने, ऐसे ही बहुत क्यूट है और बहुत अच्छा है। और ये रिया दीदी का फेवरेट बच्चा है, दीदी बोलती है बट ये सरकार दीदी का फेवरेट है।
ऑर्डर करा वैसा वैसा, बहुत मेहनत करी और बहुत मज़ा भी आया, सबके काम बहुत अच्छे से डिवाइड करे। और एक अच्छा लीडर होता है तो हमेशा काम भी अच्छा ही होता है, जैसा कि हमारे साथ था। हमारा लीडर बहुत अच्छा था तो हमारा काम भी सारा बहुत अच्छा हुआ था। एंड मैंने भी कैलीग्राफी थोड़ी ट्राई करी, और ये दक्ष की हाइट को यूज़ करते हुए हमने उसको ऊपर कोट लगाने को बोला, तो ये दक्ष ने ही सारे कोट्स ऊपर लगाए हैं जो आपको दिख रहे हैं। और फिर ये बच्चों का जो प्ले वे एरिया था ये वो हमने पेंट करा सबने मिलके, जो कि सबसे मज़ेदार था। मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा मतलब यहीं पे पेंट करने में आया था, क्योंकि बहुत ही क्यूट था, बहुत ही बेसिक फ्लैट पेंट करना था, बट बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ रहा था और हम सबको बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे पेंट करते हुए। बट हम हाँ यहाँ पे हम रियादी को मिस कर रहे थे कि वो यहाँ पे नहीं थी। प्ले वे एरिया थोड़ा अलग था बाकी क्लासेस से, तो ये हम ही लोग थे यहाँ पे। खुशियाँ बांटने के और भी तरीके होते हैं, तो इस बार त्यौहार ऐसे मना के देखिए।